बहुत टाइम से मैं इस एनिमे मूवी को देखना चाह रहा था, बट टाइम की इतनी ज्यादा कमी थी कि यार इस मूवी के लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पा रहा था। खैर आखिरकार इसके लिए मैंने टाइम निकाल लिया। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एनिमे मूवी के बारे में, या इसे एनिमे सीरीज या शो कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 3 एपिसोड है। और जब ये मूवी आई थी, या ये जब ये सीरीज आई थी, वैसे मैं इसको मूवी कहूंगा यार, सीरीज ना ही कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ये मूवी आई थी 2007 में, और आते ही इसने बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीत लिया था। और इस एनिमे मूवी को बनाने वाले वही हैं जिन्होंने यूअर नेम मूवी को बनाया था, और उनका नाम है माकोतो सिनकाई। और ये पूरी मूवी 60 मिनट में ही खत्म हो जाती है, तीनों एपिसोड बिल्कुल 60 मिनट में खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं तीनों एपिसोड के बारे में बात करूंगा। देखो इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं, बट डोंट वरी, आप लोगों का वो इंटरेस्ट खराब नहीं करेंगे, बल्कि वो इंटरेस्ट क्रिएट जरूर कर देंगे इस एनिमे मूवी को देखने के लिए। इस मूवी के तीनों एपिसोड में सबसे पहला एपिसोड है चेरी ब्लॉसम, जिसमें टाइम जो दिखाया गया वो 1991 का दिखाया गया है, जहां पर दो बच्चे जो स्कूल में एक साथ पढ़ रहे होते हैं टोक्यो में, ताकाकी तोनो और अकारी सिनोहारा, इन दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं वो कॉमन है, जिसके कारण वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। टेंशन ना लो, वो सभी चीजें इस एपिसोड में दिखाई गई हैं। अब वो सारी चीजें तो मैं बताने से रखी हूं कि यार ये रिव्यू चैनल है, ना कि एक्सप्लेनेशन मैं यहां देने के लिए आया हूं। 3 साल तक ये एक साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, जिससे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन 3 साल बाद जो है कि ये दोनों अब अलग होने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले अकारी जो है, जिनके माता पिता इनकी जॉब के कारण वो शहर से दूर चले जाते हैं, और ये एक दूसरे से कन्वर्सेशन चालू रखते हैं लेटर्स के थ्रू, एक दूसरे को खत लिखना शुरू करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो ताकाकी है, उसके माता पिता भी वो टोक्यो से दूर चले जाने वाले थे। अब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने वाली थी, और अब ताकाकी फैसला करते हैं कि एक बार आखिरी बार अकारी से मिला जाए। तो दोनों जब मिलने का फैसला करते हैं, 7 बजे का ये टाइम रखते हैं। अब ताकाकी जब मिलने के लिए जा रहा होता है अकारी से, तो यहां पर जो इन्होंने जर्नी दिखाई गई है, इतनी पेनफुल दिखाई है यार। ताकाकी कुछ लिखता है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, अकारी के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन अब मैं नहीं बताने वाला वहां पर क्या होता है। इसके सामने जो वो ट्रेन की जो जर्नी हो रही होती है, 7 बजे का जो मिलने का टाइम होता है वो घंटों लेट हो जाता है, क्योंकि तूफान चल रहा होता है। अब वो इस उम्मीद में होता है कि यार अब तो वो चाहे जा चुकी होगी अकारी, अब बिल्कुल भी उसका इंतजार नहीं कर रही होगी, वो वहां नहीं होगी। और इसके मन में ये बार बार ये चीजें ख्याल आ रही थी, ये जो सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हो रही है वो उसे रोकने के लिए हो रही है, वो ये बताने के लिए हो रही है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। और सेकंड एपिसोड कॉस्मोनॉट, जिसमें टाइम दिखाया गया 1999, ताकाकी इसके अंदर एक मिडिल हाई स्कूल के अंदर पढ़ रहा होता है, और इसी के साथ एक लड़की काने सुनीदा जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसी की क्लासमेट होती है, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स इसको बता नहीं पाती, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई इसको अपनी फीलिंग्स बता सके। लेकिन जब भी ये ताकाकी को देखती, इसको ताकाकी हमेशा कुछ ना कुछ अपने मोबाइल के अंदर, अपने फोन के अंदर वो टेक्स्ट कर रहा होता है, उसको ऐसे मिलता है कि वो किसी को ईमेल कर रहा है। और फिर इसको एहसास होता है कि ताकाकी इसको कभी पसंद नहीं करेगा, और ये अपनी फीलिंग्स इसको ना बताने में ही इसके लिए अच्छाई, और ये इसको कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताती है। देखो अगर दोनों एपिसोड की अगर बात करूं, तो देखो कहानी को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हमारे सामने रखा गया है, इतनी अच्छे से डेवलप किया गया है। फर्स्ट एपिसोड में ताकाकी और अकारी का दोनों का मिलना, उनके रिलेशनशिप का बिल्डअप होना, और दोनों में एक कन्वर्सेशन होना बहुत अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड एपिसोड में जब आप देखोगे ताकाकी को, उसका एक उदास चेहरा आपके सामने नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं काने को जान जाता है कि काने उससे क्या कहना चाहती है, काने मतलब उसके एक अपने इजहार करने की कोशिश करती है कि ताकाकी के प्रति वो क्या फील करती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। लेकिन ताकाकी कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। दोनों एपिसोड की अगर मैं डिटेल से बात करने बैठूं तो यार देखो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, मैं वो नहीं चाहता हूं, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो को वैसे भी कोई नहीं देखेगा। मैंने बस इन दोनों की ब्रीफ स्टोरी आप लोगों को बताई है, तो डोंट वरी, आप लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट खराब नहीं होगा। और अब आते हैं इसके थर्ड एपिसोड पर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो इसका नाम है थर्ड एपिसोड, जिसमें टाइम दिखाया गया है 2008। अब ताकाकी अडल्ट हो चुका है, वो एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अब जहां पर ये जो टाइम पीरियड दिखाया गया है, ताकाकी आज भी, उसकी आंखें आज भी अकारी को खोज रही हैं, उसका चेहरा मतलब उदासी से भरा हुआ है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ये क्रक्स है इस पूरी मूवी का, मतलब मेन निचोड़ यही है ये एपिसोड। जब आप इस एपिसोड को देखने बैठोगे, तब आप लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि ताकाकी, अकारी और कहने, इनका क्या हुआ, क्या ये थर्ड एपिसोड में इनके बारे में कुछ होगा, इनके बारे में रिलेशनशिप के बारे में बताया जाएगा, ये सारी चीजें भी मेरे दिमाग में चल रही थी, और ये थर्ड एपिसोड में देखने बैठा। बट भाई साहब, जो आपने सोचा या जो मैंने सोचा वो बिल्कुल विपरीत होता है।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और जो वो ये दिखाते हैं वो तो हमने कभी भी सोचा ही नहीं था। ये पूरी मूवी खत्म होने के बाद बस आप लोग यही सोचोगे कि यार ये सब चीजें क्यों दिखाई गई, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा आखिर इसका मकसद क्या था। और अब अगर इस मूवी के एनिमेशन की बात करूं, कितने जबरदस्त एनिमेशन इनमें दिखाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है यार। मतलब एक पल जब आप इसको देखोगे तो आंखों को सुकून मिल जाता है, इतने बढ़िया एनिमेशन। और जो इसके अंदर लास्ट में जो सॉन्ग आता है यार, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। नीचे सबटाइटल थे, ऑब्वियसली मैंने सबटाइटल्स को देखा। ये वैसे इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे जो मूवीज हैं ज्यादातर मैं इनको जैपनीज लैंग्वेज में देखता हूँ विद सबटाइटल के साथ, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। एक्चुअल में लगता है कि हाँ हम इनको देख रहे हैं, इंग्लिश डब में देखने में उतना फीलिंग नहीं आ पाती। और जो इसका लास्ट का जो सॉन्ग आता है वो यार, उसकी लास्ट में जो लाइन ये बोलते हैं कि मुझे वो टाइम वापस मिल जाए, मैं उस टाइम में वापस जाकर मैं बता सकूं, मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूं तुमको एक बार, यार जो ये जो चीज है ना यार, ये सच में दिल जीत लेती है कि हाँ वो कितना तड़प रहा है उस चीज के लिए, उसके अंदर कितनी उदासी है, डिप्रेस है, वो चाहता है वो टाइम उसके लिए वो वापस आ जाए, लेकिन वो टाइम वो वापस नहीं आ सकता। उन्होंने एक कस्में खाई थी दोनों ने, एक साथ कहा था कि हम एक बार जरूर एक साथ मिलेंगे और हम चेरी ब्लॉसम एक साथ जरूर देखेंगे। खैर बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का इंटरेस्ट खराब हो। और यकीन मानो काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है, एक अलग ही एक्सपीरियंस आप लोगों को ये मूवी देखेगी। मतलब जब आप, ये सच कह रहा हूं, जब आप ये मूवी देख लोगे और जब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठोगे, तब यही सोचोगे कि यार क्या था ये, क्यों बनाई, क्या मकसद था इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि सरदर्द कर देगी, एक अच्छे वे में, मतलब एक छाप छोड़ जाती है आपके दिमाग पे। यही एक एनिमे की खूबसूरती है कि यार आपको सोचने पर वो चीजें मजबूर कर देंगी। अगर आप लोगों ने ये एनिमे मूवी देख रखी है या एनिमे शो देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी या एनिमे शो कैसा लगा। मेरी तरफ से इस एनिमे मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 स्टार। अगर किन्होंने नहीं देखी और आप एक डिफरेंट जोनर टाइप का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप जाकर ये मूवी जरूर देखो। बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।